पूर्व विधायक व आज़ाद उम्मीदवार प्रोफेसर दिनेश कौशिक ने आज डांड बीपीआर स्कूल के पास चुनावी कार्यालय खोला। इस अवसर पर हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया। किस प्रकार का हजूम है, किस प्रकार की लहर है? बहुत अच्छा एक दफा सारा माहौल है। आज धान से शुरुआत की है और धान के बाद पूरे थोड़े समय के बाद पूरे मंडी के अंदर और बाजार के अंदर एक रोड शो के रूप में हम लोग जाएंगे और ये हजारों की संख्या में जो ये लोग आए हुए हैं, ये सभी बहुत प्यार करते हैं, मन से बहुत लगाव करते हैं और इनके आशीर्वाद से ही इस बार फिर से छठी बार कुंडरी हल्के से आज़ाद विधायक बनने वाला। तो कितने विकास के काम किए थे जिनके बदौलत आज दोबारा जनता के बीच जा रहे हैं? पिछली बार जब विधायक रहे हैं तो कम से कम 500 करोड़ रुपए की ग्रांट्स यहाँ पर लेकर आए। तो भाजपा की टिकट पे आप चुनाव लड़ना चाहते थे, अब आज़ाद मैदान में हैं, क्या मानते हैं आज़ाद प्रत्याशी को चुनती है जनता? मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की टिकट के लिए, लेकिन और मेरा अनाउंस भी था, सभी लोगों के को पता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी स्टेज के ऊपर से कह कर गए थे, लेकिन एक दिन पहले वो टिकट काट दिया गया। उसके बाद सभी लोगों से मैंने बात की तो सबका ये मन था कि जिस तरह से पहले आज़ाद विधायक के रूप में आप इलेक्शन लड़ते रहे हैं और सेवा करते रहे हैं, इस बार फिर से इसी तरह नहीं, टक्कर में किसी के नहीं मानता। अभी तक अभी इलेक्शन चला है तो ये तो 2-4 दिन के बाद पता चला है, मुझे अपना पता है, मैं दूसरे के बारे में कुछ कहना। 2014 के चुनाव में आपने भाजपा प्रत्याशी को हराकर और भाजपा को ही समर्थन दिया था, अब की बार क्या समीकरण लगते हैं आपके? अर्थ प्रकाश के लिए कृष्ण प्रजापति की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।